राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का फिर से स्वागत है इस चैनल पे। और अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल से, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो हमारा मिले। तो आज फिर बहुत अच्छी सी जानकारी लेकर के आए हैं, जो कि हमेशा साझा करते हैं। और हमारी जानकारी वही होती है जो कि हमारी बहनें, हमारी भाभियाँ, हमारी दीदी, मतलब कि हमारे घर में या हमारा कोई अपना यूज कर चुका हो या उसका प्रयोग कर चुका हो, उसको आजमा चुका हो, जो भी आप कहिए, वही चीज़ें हम आपसे साझा करते हैं जिस पे हमें विश्वास है, ताकि आप आके दोबारा हमको ये ना बोलें कि आपने जो बताया था वो काम नहीं किया। तो 100% नहीं, 200, 500, जितने भी 100 लगा लीजिए, उतने परसेंट हमारी बातें सही होती, वही हम आपसे साझा करते हैं। आपको किसी चीज़ का हमारे वीडियो पे दिखावा नहीं मिलेगा, कोई चीज़ ऐसा नहीं मिलेगा जो कि मैं अपना भला, अपना फ़ायदा के लिए आप लोग को बताती हूँ या भ्रमित करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो भी है एकदम रियल है, फैक्ट है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और सुनिए, कहीं स्किप कर देंगे तो आपकी ज़रूरत की चीज़ें ऐसा ना हो कि ना मिले। ऐसे इसके लिए आप लोग बहुत भ्रमित होते, बहुत सर्च करते, बहुत ढूंढते हैं कि कहाँ से मुझे ऐसी जानकारी मिले। तो मैं आज आप लोगों के बीच जो लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ कि बहुत सारी बहनों के जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है खुजली की, और खुजली की दिक्कत होने से निशान पड़ जाते हैं। तो उन निशान को ख़त्म करने के लिए आप क्या करें, या ऐसा क्या करें कि निशान को बता दें कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और मैं इसको यूज कर रही हूँ और मुझे इससे बहुत फ़ायदा मिला। देखिए पसीना हो रहा, क्योंकि पंखा बंद है, नहीं तो पंखा नहीं बंद करेंगे तो आप लोगों को हमारी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। और वीडियो बनाने के लिए देखिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, गर्मी में बैठना पड़ता है। तो आप लोग प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो भी आगे बढ़े और ये अच्छी जानकारी सब तक पहुंच सके। तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए और हम भी आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो हम बात ये कर रहे थे कि ऐसा क्या करें कि निशान पड़े ही ना, खुजली हो तो होती है, खुजली ही ना हो, निशान ही ना हो। और ये भी बताएंगे कि अगर निशान पड़ गया है तो क्या करें। बहुत छोटे में बताने की कोशिश करते हैं, वो लंबा नहीं खींचते हैं। तो दो चीज़ें, एक चीज़ तो आपके घर में आपको हमेशा उपलब्ध मिल जाएगा, वो है नारियल का तेल, जिसमें कि कपूर डाल के आप उसको लगा सकते हैं। उससे आपके जो निशान होंगे वो मिट जाएंगे, कितने भी पुराने निशान हो, गर्भ के समय, प्रेगनेंसी के टाइम जो निशान पड़ जाते हैं उसको मिटाने के लिए। लेकिन ये एक दो दिन में नहीं, लगातार आप लगाइए, रोज़ सोने के टाइम लगाइए, सुबह नहाने के बाद लगाइए। और दूसरा जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा कारगर है, थोड़ा हाँ थोड़ा सा वो कॉस्टली है, लेकिन वो भी बहुत फ़ायदा करता है। निशान पड़ गए होंगे तो वो भी आपके मिट जाएंगे, अगर निशान नहीं पड़े हैं तो निशान नहीं पड़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा कारगर है। मुझे डॉक्टर ने उसके बारे में बताया तो मैं लेके आई, तो मुझे खुजली अब नहीं हो रही है। और जिनको खुजली हो गई थी, मेरी भतीजी है, उसके बेबी है इस समय 8 मंथ का, उसके बहुत ज़्यादा। पहला तो मैंने आपको बता दिया, जो कि आपको साधारण तरीके से आपके घर में मोस्टली मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो नारियल तेल तो सबको पता है कि कहाँ मिलता है, हर जगह मिल जाता है, आसपास में छोटी मोटी दुकानों पे भी मिल जाता है। कपूर भी तो घर में रहता ही अक्सर, अगर नहीं है तो ये भी आप ले सकते हैं नॉर्मल। लेकिन जो मैं दूसरा बताने जा रही हूँ, हर जगह नहीं मिलता है, जैसे गाँव में ये चीज़ें, नारियल का तेल और कपूर तो साधारण तरीके से मिल जाता है। मेरी भतीजी जो है गांव से आई थी तो उसको नहीं मिल रहा था जो मैं दूसरा बताई थी, तो उसको मैंने फिर यहीं से भिजवाया और अब उसको बहुत फ़ायदा हुआ, उसके सारे निशान मिट गए हैं। तो दूसरा है बायो ऑयल, बायो ऑयल उसका मैं पिक आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, लगा दे रही हूँ। तो ये बायो ऑयल है, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, 250 का भी आता है, छोटा सा 500 का भी आता है बड़ा वाला। और उसे छोटा कितने का आता है मुझे नहीं पता, वो आपको दुकान पे पता है, मेडिकल स्टोर से ही मिलेगा, ये ऐसे नॉर्मली दुकान से नहीं मिलता। लेकिन नारियल तेल और दूसरा कपूर, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं, बायो ऑयल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, निशान को एकदम जड़ से ख़त्म कर देता, लगता ही नहीं कि यहाँ पे निशान था। तो मेरी भतीजी ने उसको लगाया, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत बड़े बड़े थे, मतलब वो साड़ी पहनती थी ना तो उसको बड़ा अजीब लगता था, उसके पेट पे निशान पड़े हुए थे, उसके मतलब बहुत ज़्यादा निशान थे, अब एकदम निशान नहीं है। तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा किसको किसको फ़ायदा हुआ। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नए आए हैं तो, और अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।